तो नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का जो NCMC कार्ड है उसके बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कार्ड हाल फिलहाल में दिल्ली मेट्रो में यूज़ किया जा रहा है, और यदि आप दिल्ली मेट्रो से किसी भी स्टेशन से अगर आप स्मार्ट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको यही वाला कार्ड अब फिलहाल में दिया जा रहा है। इससे पहले आपको पेटीएम पेमेंट बैंक का कार्ड पकड़ाया जाता था, ये वाला, ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। पहले आपको ये वाला कार्ड पकड़ाया जाता था, पेटीएम वॉलेट एंड ट्रांजिट कार्ड, लेकिन अब ये वाला कार्ड जो है बंद कर दिया गया है। जिसके पास है चल रहा है, लेकिन जिसके पास है वो भी इसको यूज नहीं कर पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी ये कार्ड लिया था तो कुछ ही दिन इसको यूज कर पाया था मैं, उसके बाद ये कार्ड अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और दोस्तों मेरा पेटीएम वॉलेट में जो इसका ट्रांजिट का जो बैलेंस था वो भी इसमें बचा हुआ है, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको कुछ इसके बारे में नॉलेज है कि मैं अपने पैसे कैसे निकाल सकता हूँ इस वॉलेट से, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिलहाल जो है अब मुझे ये वाला कार्ड पकड़ाया गया। जब मैं मेट्रो पर नया स्मार्ट कार्ड लेने गया तो मैं वन कार्ड लेना चाहता था, जो मेट्रो का वन कार्ड आता है, लेकिन वो कार्ड भी नहीं दिया जा रहा है। अब केवल एयरटेल पेमेंट बैंक का ये रुपे कार्ड, जिसको NCMC कार्ड बोला जाता है, यही अवेलेबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप इस कार्ड में बैलेंस ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें बैलेंस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों बैलेंस ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले एयरटेल थैंक्स ऐप का यूज करना होगा। दोस्तों ये वाला जो एयरटेल थैंक्स ऐप आता है, ये वाला एयरटेल थैंक्स ऐप, ये आपको इंस्टॉल करना होगा अपने फोन में। और इसके बाद जो है यहाँ पर आप जो है बैलेंस ऐड कर पाएंगे अपने इस वाले कार्ड में। तो दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है इस ऐप को, जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपको यहाँ पर मैनेज का एक बटन नजर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये वाला कॉर्नर में यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा हुआ है NCMC बैलेंस, तो इसमें जो है 64 रुपीज अभी इसमें बचा हुआ है मेरा, तो आप यहाँ पर मैनेज पर क्लिक कर दीजिए यदि आप इसमें और बैलेंस ऐड करना चाहते हैं। देखें यहाँ पर शो भी करता है कि लो बैलेंस चल रहा है अभी, तो आप जो है इस वाले एरो पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको जो है अपना कार्ड भी दिखाई देगा, वर्चुअल कार्ड, और यहाँ पर जो है ऐड मनी का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जिससे कि आप जो है इसमें बैलेंस ऐड कर सकते हैं। और इसमें जो है और भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि टॉप अप, ट्रांजिट बैलेंस, व्यू स्टेटमेंट, ब्लॉक कार्ड, ये सब दिया गया है। यदि आपका कार्ड खो जाता है तो आप ब्लॉक कार्ड कर सकते हैं, जिससे कि कोई और इसका यूज ना कर पाए। तो फिलहाल जो है हम बात करेंगे ऐड मनी करने की, तो ऐड मनी पर हमने क्लिक किया है, ये देखिए ऐड मनी पर क्लिक किया है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन आए हुए हैं, आप 200, 500, 1000, 2000 रुपये यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मिनिमम 200 रुपये आपको ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, इससे कम आप ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है अगर आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उतना ही अमाउंट यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। तो 200 रुपये मिनिमम ऐड करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, UPI से, फोन पे से, पेटीएम से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, तो किसी भी मेथड का यूज करके आप इसमें जो है अपना अमाउंट ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, जैसे ही आप अमाउंट ऐड कर लेंगे और उसके बाद आपको एक बार ये जो है मेट्रो स्टेशन पर जो कस्टमर केयर वाले होते हैं उनसे एक बार टैप करवा लेना पड़ता है, उसके बाद ही ये बैलेंस काम करता है। पहले दोस्तों मैंने इसमें ऐड करके डायरेक्ट यूज़ करने की कोशिश की थी तो नहीं हो पाया था, क्योंकि बैलेंस अपडेट नहीं हो पाता है। यहाँ पर ऐड करने के बाद एक बार आपको कस्टमर केयर पे ये कार्ड दिखाना पड़ता है, तो आपका अपडेट कर देते हैं वे, जो कस्टमर केयर वाले भैया हैं वहाँ बैठे रहते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में, अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आपको इस चैनल पर आगे भी मिलती रहेगी।